गोरखपुर न्यूज में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे और पूरे महानगर सहित जिले का हाल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। पुलिस के हत्थे चढ़े तो सगे भाइयों के हत्यारे, नाजायज संबंध में हुई थी हत्या, साजिश में पत्नी भी थी शामिल। पहली बार बसपा और सपा ने मिलकर मनाया बसपा के संस्थापक स्वर्गीय काशीराम की 84वीं जयंती। प्रेम में नाकाम प्रेमी युगल ने ट्रेन से कटकर की खुदकुशी। स्कॉलरशिप की मांग को लेकर लगभग 100 से ज्यादा आईटीआई छात्रों ने निकाला जुलूस, किया जमकर नारेबाजी। उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त किए जाने की मांग को लेकर अखिल विश्व गायत्री परिवार के सदस्यों ने जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। 16 से 20 मार्च तक गोरखनाथ मंदिर परिसर में लगेगा विराट किसान मेला व प्रदर्शनी। स्वर्गीय काशीराम की 84वीं जयंती अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों ने उनके चित्र पर किया माल्यार्पण। संस्कार भारती ने हिंदू जागरण के लिए चेतना तिराहे पर किया दीप प्रज्वलन एवं रंगोली कार्यक्रम, करेंगे 18 व 19 को नवोदल कार्यक्रम। 17 मार्च को ब्रह्मभट्ट कल्याण परिषद द्वारा आयोजित होगी होली मिलन समारोह। हस्तक्षेप योजना के तहत इस वर्ष उत्पादित आलू का क्रय मूल्य 549 रुपये प्रति क्विंटल किया गया निर्धारित, राज्य की उद्यान के अधीक्षक ने दी जानकारी। 17 मार्च तक जेई व एईएस पर अत्यधिक जोखिम वाले 144 ग्राम पंचायतों से 107 नोडल शिक्षकों का प्रशिक्षण मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सभागार में हुआ प्रस्तावित। और 6वीं उत्तर प्रदेश पुलिस मलखम प्रतियोगिता का हुआ आगाज, पुलिस महकमे के आला अधिकारी रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को पुलिस अधीक्षक उत्तरी गणेश साहा ने 5 मार्च को सहजनवा थाना क्षेत्र के सिहापार मगहर बाईपास रोड पर मिली दो अधजली लाशों की शिनाख्त के बाद मामले का खुलासा किया है। शाहा ने बताया कि दोनों सगे भाइयों की हत्या नाजायज संबंधों को लेकर की गई थी। पकड़े गए अभियुक्त के पास से हत्या में शामिल 2 चाकू और 1 चार पहिया वाहन बरामद हुआ है। इस संदर्भ में आगे जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, ये मामला ये है कि करीब 5 मार्च को दो अधजली बॉडी सजनवा सियापार मगर बाईपास में मिली थी। बॉडी को देख के लगा था कि इसका गला रेता गया है और उसको जलाकर फेंक दिया गया था। उसके बाद पूरे मामले की जानकारी के लिए एसओ सजनवा के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी। सबसे पहले दिक्कत तो ये आ रही थी कि ये बॉडी की पहचान हो जाए। काफ़ी प्रयास के बाद बॉडी की पहचान हो पाई, जिसके दो व्यक्ति जो आपस में भाई थे, विजय सिंह और दिनेश सिंह, इनकी पहचान की गई। ये सिद्धार्थनगर जिला चिल्हिया थाना और गांव गुजरवलिया के रहने वाले थे। इनकी पहचान हुई मुख्य खास के द्वारा। उसके बाद पहचान के बाद आगे की तफ्तीश चालू हुई कि इस पूरे घटनाक्रम में कौन कौन लोग शामिल हैं। तो ये पाया गया कि एक शिवनाथ नाम के व्यक्ति हैं, जिनका मृतक के घर आना जाना लगा रहता था और मृतक के की पत्नी के साथ इनके दोस्ती वगैरह भी थी। तो इन्होंने ही दोनों भाई को एक लड़की दिखाने के, अपने भाई की लड़की दिखाने के बहाने से गोरखपुर बुलाया। रास्ते में इन्होंने मृतकों को दारू पिलाया। काफ़ी नशे की हालत में जब ये श्योर हो गई कि गोरखपुर में एंट्री हो गई, तो विशाल और सूरज, एक और वीरेंद्र हैं जो फोर्ड फिगो गाड़ी में ये चारों आ रहे थे,
उन्होंने दोनों भाई को पकड़ के जो नशे की हालत में काफी थे गले रेत दिया। डेड बॉडी की पहचान ना हो इसके लिए उन्होंने डेड बॉडी को मगर बाईपास के पास फेंक दिया और उसमें पेट्रोल जला के आग लगा दी। जो चीज़ें सामने आई है इसमें मृतक की पत्नी का भी इन्वॉल्वमेंट है, उनको भी सीधे सारी जानकारी थी और बाद में पूरी जो तफ्तीश की गई तो निष्कर्ष ये निकला गया कि शिवनाथ मृतक की पत्नी, तीन और व्यक्ति वीरेंद्र, सूरज और विशाल की मिलीभगत से ये चीज़ों को ये हत्या को अंजाम दिया गया। बाद में गाड़ी जिससे मृतक लोग आए थे फोर्ट फिगो जो गाड़ी थी उसकी रिकवरी हो गई, आला कत्ल की रिकवरी हो गई। एक जो अभियुक्त है विशाल वो फरार हो गया, उसकी भी तलाशी की जा रही है, जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी। जैसा कि मैंने आपको संकेत दिया है कि दिन शिवनाथ के जो जिन्होंने बैला पुतला के दोनों को लड़की दिखाने के बहाने से लेके आए थे गोरखपुर, इनका ही जो दोस्ती थी मृतक की पत्नी के साथ थी। और जो बातचीत में बातें सामने आई है कि मृतक को संदेह भी हो गया था, मारते पीटते भी थे, इसी सब चीज़ों को लेके इन्होंने ये प्लानिंग बनाई। हाँ आपको मैंने बताया है कि चला है और हम लोग और भी पता कर रहे हैं, अगर कुछ सामने आया तो बताया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी द्वारा गुरुवार को बसपा के संस्थापक स्वर्गीय काशीराम की 84वीं जयंती समारोह का आयोजन तारामंडल स्थित एक स्थानीय मैरिज हॉल में किया गया। जहां कहीं भी काशीराम होंगे या उनकी आत्मा देख रही होगी वो इस अद्भुत नज़ारे का आनंद ही ले रही होगी। धुर विरोधी पार्टियों के इस नायाब संयोग पर स्वर्गीय काशीराम स्वयं भी क्या महसूस करते होंगे ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन सत्ता के गलियारों में बुआ भतीजे अब एक नए रास्ते की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद और पार्टी के मुख्य ज्वाइंट इंचार्ज घनश्याम चंद्र खरवार, समारोह की अध्यक्षता कर रहे विधान परिषद के पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडे, विशिष्ट अतिथि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव, बसपा के मुख्य ज्वाइंट इंचार्ज कल्पनाथ, सुरेश कुमार गौतम, सुधीर कुमार भारती सहित पार्टी के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। समारोह के आरंभ में उपस्थित पदाधिकारियों ने बाबा भीमराव अंबेडकर और काशीराम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित व पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इसके पश्चात अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण करके किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने काशीराम के जीवन और उनके संघर्षों पर प्रकाश डाला। इस दौरान उन्होंने वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव में भारी जीत की ओर भी जोर दिया। संस्थापक मान्य श्री काशीराम साहब के चित्र पर कुछ अर्पित करते हुए इस जन के संबंध रहेगा, अनुहार साहब का नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा, गंगा हाथी निशान, इस देश के महाजनायक जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में स्वतंत्र तौर पर जगाने का काम किया और जिन्होंने इस समाज के अंदर सभी अंबेडकर साहब के चरणों में श्रद्धा का सम्मान अर्पित करते हुए हाथी दिल्ली जाई वाले प्रबंधक साथी है पूरा अस्पताल नहीं गया है, आपसे निवेदन है कृपया होगा अभिनंदन उनसे निवेदन है मुख्य अतिथि जी के सम्मान में। सम्मानित साथियों, जिन्होंने भारत की राजनीति की दशा ही बदलने का काम किया था, ऐसे मौके पर आज कांशीराम साहब के जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं कि ऐसा महामानव आज ही के दिन में पंजाब के खवासपुरा गांव में, रोपड़ जिला के खवासपुरा गांव में जन्म लिया था। कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, वहां पर जन्म लेकर के मानवर श्री कांशीराम साहब ने देश की दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अक्रियतों
कि राजनीति क्या चीज है उस चीज को बताने का काम किया। आज ऐसी और अवसर पर मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही पवित्र दिन है। हमारे लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जिस तारीख को मार्गदर्शक आपका जन्म हुआ था, आज हम गोरखपुर में ही नहीं पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में तमाम वर्ग के लोग आज मानवर श्री कांशीराम साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। जिस तरीके से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जन्म भारत ही नहीं दुनिया में बाबा साहब के मानने वाले लोग उनका जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, कि उसी तरीके से आज पूरे भारत ही नहीं पूरे दुनिया में मानव कांशीराम साहब के समर्थक उनका जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे बीच में विधान परिषद के पूर्व सभापति परमाननीय माननीय गणेश शंकर पांडे जी हमारे बीच में मौजूद हैं। बहुजन समाज पार्टी के तमाम मुख्य जोन इंचार्ज यहाँ मौजूद, माननीय सुरेश कुमार गौतम जी मौजूद है, सुरेश कुमार भारती जी मौजूद है, श्रवण कुमार निराला जी मौजूद है, माननीय हरिप्रकाश निषाद जी मौजूद है, माननीय ब्रजेश जी, माननीय प्रेम कुमार जी, माननीय विनोद कुमार जी और हमारे माननीय परशुराम निषाद जी, हमारे बीच में माननीय सुरेश चंद्र भारती जी, माननीय सुनील कुमार जी, माननीय ओम प्रकाश गौतम जी, माननीय इंजीनियर अमरीश कुमार अध्यक्ष, माननीय प्रहलाद यादव जी मौजूद है, माननीय गुरु बाबू जी मौजूद है, माननीय राजेश पांडे जी मौजूद है, माननीय हरेंद्र यादव जी मौजूद है, पूरी जिला कमेटी पूरे मंडल की सभी पदाधिकारी हमारी टीम यहाँ मौजूद है। मैं आप सभी लोगों का हृदय से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुरुवार को तिवारीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे क्रॉसिंग के पास प्रेमी युगल के ट्रेन से कटकर खुदकुशी करने का मामला प्रकाश में आया है। घर का एकमात्र चिराग बांसगांव निवासी कोनी बुजुर्ग का 18 वर्षीय मधुरेंद्र पुत्र जनार्दन, जो कि 12वीं पास था और ट्यूशन पढ़ाता था, इसी बीच बांसगांव मालनपार निवासी आकृति सिंह पुत्र जेपी सिंह, जो कि बीकॉम प्रथम वर्ष की छात्रा थी, उसकी दोस्ती हो गई। दोनों की दोस्ती घरवालों को पसंद नहीं थी। व्यक्तिगत जिंदगी में घरवालों का हस्तक्षेप प्रेमी युगल बर्दाश्त ना कर सके और आत्महत्या का कदम उन्हें उठाना पड़ा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मृतक मधुरेंद्र के परिजन अशोक कुमार ने कहा, इस मामले में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली तारकेश्वर पांडे ने इस मामले की पूरी जानकारी देते हुए बताया, मोबाइल तो है ये थे खड़े वहाँ पीछे बना आप लोग ठीक से आते हैं, अपना मोबाइल नंबर देगा। क्या नाम है इसका? मधुरेंद्र। मधुरेंद्र है? अच्छा पतिया बोले तो परिजन की बात है। आज ही हमारे पास फोन आया था। हाँ, हम कचहरी के पास लोकला रोड पर नीचे रहते हैं। हाँ, तो फोन आया कि गायब हैं तो कैंसी को पता लगाएंगे जो है। हाँ, उसके बाद सुबह
गाड़ी वाड़ी काटते गुड़ी गुड़ फटा टूट के काटते में उसके बाद फोन आया कि जो है पैर से कांड हो गया है। तो वहाँ पहुँचे पहुँच कर जो है मधुरेंद्र धोनी जी पूर्वा पड़ेगा। तो पढ़ाई करता था, वो पढ़ाता भी था, जाता था इधर उधर। जो क्या नाम अशोक कुमार, क्या सूचना मिली आपको? पुलिस से ही कि ये इस तरह का लड़का है, कट के मरा है। कहाँ पे? अब ये गांव तो हमें क्लियर हो पाएंगे। क्या बताएं जी? क्या बताएं कौन यहाँ से जो सूचना आपको दिए हैं, क्या बताएं? ये हमसे यही बताना है कि गुनगुन को धाम में एक लाश कट के मिली है, उसका आधार कार्ड मिला, मोबाइल नंबर मिला, बस वही हमको जानकारी हुई, हम सुने चले आए। तो अभी आप शिनाख्त किए हैं, क्या हुआ? लड़का वही है। क्या कुछ पता चला, क्या कहाँ तक पढ़े लिखे थे ये? अब इसके बारे में हम क्वालिफिकेशन नहीं बता पाएंगे। क्या करते थे ये लड़का? पढ़ता था ये तो इतना जानते हैं, बाकी अब कितना पढ़ा लिखा ये नहीं। तो प्रेम प्रसंग का भी कुछ मामला अब इसके बारे में मुझे एक पैसे की जानकारी। ये आज सुबह लगभग 6 बजे की सूचना, डायल 100 की सूचना पर हमारी पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची है। गुनगुन कोठा रेलवे क्रॉसिंग से लगभग 50 मीटर पश्चिम दो पटरियों के बीच में एक लड़का और एक लड़की की लाश मिली है। जो शिनाख्त हुआ है लोगों के पूछताछ से पता चला है तो एक आकृति सिंह है और एक का नाम मधुरेंद्र है। ये दोनों रहने वाले, ये गुरुआ बाजार, आकृति सिंह जो है वो बांसगांव थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं और मधुरेंद्र जो है वो गुरुआ बाजार के रहने वाले हैं। ये एक दूसरे को आपस में जानते थे, ये परिचय था, मगर आज इन दोनों की बॉडी वहाँ पर मिली है। क्या चीज़ें हैं ये जाँच की जा रही है, आवश्यक कार्रवाई किया जा रहा है, सारी बातें तथ्य सामने आने पर बताया। कोई तहरीर मिली? नहीं, कोई तहरीर नहीं मिली है। माता पिता परिजन आ गए हैं, उन लोगों का कोई, उनको कोई तहरीर नहीं मिली है। अभी पोस्टमार्टम हो रहा है, वो सब यहीं पर। स्कॉलरशिप की मांग को लेकर महानगर के कई आईटीआई के लगभग 100 से ज्यादा छात्र विरोध प्रदर्शन के उद्देश्य से गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उप जिलाधिकारी ने साइलेंट जोन का हवाला देते हुए एकत्र आईटीआई छात्रों को नगर निगम मैदान में भेज दिया। इसके बाद आईटीआई छात्र जिलाधिकारी कार्यालय से जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट चौराहा होते हुए नगर निगम रानी लक्ष्मीबाई पार्क के मैदान में पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जम के नारेबाजियां की। आईटीआई छात्रों का कहना है कि सरकार की तरफ से उन्हें छात्रवृत्ति मिला करती थी, लेकिन शासन की तरफ से आए फरमान के बाद से छात्रवृत्ति रोक दी गई है, जिससे छात्रों में काफी आक्रोश व्याप्त है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आईटीआई के एक छात्र ने कहा कि पहले उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती थी, लेकिन अब उसे बंद कर दिया गया है, इसी के लिए ये विरोध प्रदर्शन छात्रों द्वारा किया जा रहा है। बच्चों से हस्ताक्षर कराके सर, आप पहले पकड़ कराइए, नहीं तो इधर से वीडियोग्राफी करा के इनके खिलाफ लिख के भेज देते हैं। चलवाने के बाद भी नहीं समझ में आता आप लोगों को, हम कहे सर पता नहीं क्या कहते हैं, जिला इंस्पेक्टर की कार्रवाई हो जानी चाहिए। अभी हम इनको बताएं कि आप तहरीर देंगे, कहे थे कि इशारे की जगह बात कराइए तुरंत। ऐसा कर रहे हैं आप लोग एकदम, पूरी करो, 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 प
दिया जा रहा, क्या आप लोग को बताया गया है छात्रवृत्ति? हमें कोई आश्वासन नहीं दिया, डायरेक्ट ये कहा गया है कि छात्रवृत्ति प्राइवेट वालों की रोक दी गई है। अब जब तक कोई मतलब आश्वासन पहले से दिया गया रहता तो हम लोग यहाँ पे नहीं आते, या फिर पहले से कोई जानकारी दे दी जाए कि रीजन है, बिना रीजन बताए हुए आप ये ऐसा कर दिए। सारे बच्चे परेशान है, या तो बीच में पढ़ाई छोड़ दें या तो पढ़े ही ना। किस सत्र का नहीं मिला है आप लोगों को अभी? जो जैसे अभी देखिए, फोर्थ सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास चल रहा है, इसमें फर्स्ट सेमेस्टर वालों का प्रथम वर्ष की छात्र की कुछ बच्चों को मिली, कुछ बच्चों को नहीं मिला, जिन्होंने फिर रिन्यूअल करवाया है। और जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको तो अभी पेंडिंग में है उनका, और जो फोर्थ सेमेस्टर उनका सबका एक साथ रोका जा रहा है, मतलब पूरे बच्चों का रोका जा रहा है, इसमें किसी को मिलने वाला नहीं है। ज्ञापन के माध्यम से आप क्या अवगत कराना चाह रहे हैं? हम अवगत यही कराना चाह रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी जिसके भरोसे पढ़ाई कर रहे हैं छात्रवृत्ति से पढ़ते, वो उनका पूरा कर दिया जाए। बाकी और हमारा कोई विशेष मांग नहीं है, हमारा बस मांग यही है कि हमारा जो हक है वो पूरा करिए। आप लोगों को कैसे पता चला कि आप लोग की छात्रवृत्ति रोक दी गई है? हम लोगों को अभी आप ही लोग के माध्यम से पता चला है, न्यूज़पेपर पढ़े हैं या अधिकारी लोग बताए हैं, या फिर विकास भवन में जब अभी वेरिफिकेशन का काम चल रहा था तो हमारे यहाँ के लोग गए थे, सभी लोग वहाँ पे वेरिफिकेशन का, वहाँ पता चला कि प्राइवेट वालों का जो है छात्रवृत्ति रोका जा रहा है। अब आप लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग क्या करेंगे, अभी मांग हो गई, धरना प्रदर्शन करेंगे, अगर मांग पूरी होती है तो ठीक होने, विरोध आगे तक जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त कराने के उद्देश्य से अखिल विश्व गायत्री परिवार की महिलाओं ने गुरुवार को राजघाट स्थित गायत्री शक्तिपीठ कार्यालय से जागरूकता जुलूस निकाली। यह जुलूस महानगर के विभिन्न मार्ग होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां गायत्री परिवार के सदस्यों ने जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने मांग संबंधित ज्ञापन प्रेषित किया। इस दौरान गायत्री परिवार के सदस्यों ने नशा मुक्ति जागरूकता नारे भी लगाए। इस अवसर पर माया वर्मा, मुन्नी पांडे, मंजू द्विवेदी, गीता वर्मा, आभा, सुशीला, कुमकुम सहित गायत्री परिवार से जुड़ी कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस संदर्भ में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए माया वर्मा ने बताया। माया वर्मा जी, हम अखिल विश्व गायत्री परिवार से हैं। हमारा एक उद्देश्य है मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पे स्वर का अवतरण। हमारे वेद मूर्ति तपन पंडित श्याम शर्माचार्य जी ने एक घोषणा किया है 21वीं सदी नारी सदी, और उन्होंने नारियों को आगे किया है। आज सारी नारियां धरती पे अवतरित हो चुकी हैं। एक जमाना था जहाँ की पता नहीं सती अनुसुईया थी, गार्गी थी। आज यहाँ आप लोग क्यों आई हैं, क्या कर रहे हैं? हमारा यहाँ पे आने का कि हम आज जिलाधिकारी को अपने ज्ञापन देने आए थे। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन एक ज्ञापन देना था, 8 मार्च को देना था। आचार संहिता लागू होने से हम लोग नहीं दे पाए, उसी का एक आज हम ज्ञापन देने आए हुए थे अपने। क्या मांग कर रही हैं ज्ञापन? उत्तर प्रदेश को शराब सील कर दिया जाए, शराब बंद किया जाए, सारे गुटखा भांग जो हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी खोखला होती चली जा रही है, और जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है इसी के आड़ में हो रहा है। बलात्कार और दामनी का जो कांड था दिल्ली में, इसी की देन थी। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे जहाँ खाने को नहीं मिला, एक मजदूर वर्ग जो है दिन भर कमाता है, सारे दिन शाम तक पहुँचते पहुँचते सारा पैसा फूक डालता है, परिवार में क्या होता है उसके ग्रह पर। और उस कला को बचाने के लिए हमारे भगवती शर्मा जी ने, माता जी हमारी जिनको हम लोग माता जी कहते हैं, उन्होंने घोषणा की थी नारी ही सत्य लाएगी या सत्य। क्या क्या मांग करें, क्या क्या बंद होना चाहिए आपके अनुसार? गुटखा शराब जो भी व्यसन संबंधित है, नशे संबंधित सारी चीजों को बंद किया जाए, ये हमारा सरकार से। आप गोरखपुर के लिए मांग कर रही हैं? पूरे उत्तर प्रदेश की मांग है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय योजना बनाई जा रही है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत से इसको हटाना है, भारत से भगाना है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते।
जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार। दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार। वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका फिर से इस बुलेटिन में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 16 से 20 मार्च तक गोरखनाथ मंदिर परिसर में कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़करण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम के तहत विराट किसान मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर किसानों को नवीनतम कृषि तकनीक से अवगत कराया जाएगा। यह जानकारी मुख्य विकास अधिकारी अनु सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विभिन्न अधिकारियों को अपने अपने विभागों से संबंधित योजनाओं की जानकारी देने के लिए स्टॉल लगाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिससे कृषकों को नवीनतम तकनीक की अधिक से अधिक जानकारी दी जा सके। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा गुरुवार को विश्वविद्यालय परिसर में दलितों के मसीहा काशीराम की 84वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर डॉक्टर गोपाल प्रसाद व अन्य छात्रों ने काशीराम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। समारोह के दौरान उपस्थित लोगों ने काशीराम के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर डॉक्टर आलोक गोयल, प्रोफेसर चंद्रशेखर, छात्र कुलदीप यादव, भास्कर, राहुल, प्रदीप, अनिल सहित कई अन्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रॉक्टर डॉक्टर गोपाल प्रसाद ने बताया। राजा फुल वो बना रहे अपना वीडियो सामाजिक न्याय के प्रणेता बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब का आज जन्मदिवस है और इस अवसर पर विश्वविद्यालय के छात्रों ने यहाँ एक उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सभा का आयोजन किया है और इसके साथ ही हम लोगों को भी आमंत्रित किया है इन्होंने। इसके लिए इन लोगों को हार्दिक जो है साधुवाद और शुभकामनाएँ और समाज में न्याय की भावना को जगाने के लिए मान्यवर कांशीराम जी ने जो काम किया वो सदियों सदियों तक जो है याद किया जाएगा और ऐसे महात्मा के महामानव के पावन जन्म दिवस के अवसर पर हमारी पूरी गोरखपुर जनता को प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। गोरखपुर की एक सांस्कृतिक संस्था संस्कार भारती के द्वारा 9 वर्ष के उपलक्ष्य में जो कि 18 व 19 मार्च को 9 वर्ष पर कार्यक्रम का आयोजन रामगढ़ताल स्थित एथेम्पी थिएटर में किया जाएगा। इसी के अंतर्गत हिंदुओं को अपने मूल नववर्ष के प्रति जागरूक करने के लिए चेतना तिराहे पर संस्कार भारती के सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने रंगोली कार्यक्रम के साथ साथ दीप प्रज्वलन भी किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से अध्यक्ष रीता श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष विश्वमोहन तिवारी, महामंत्री अजीत प्रताप सिंह, संस्कार भारती के अध्यक्ष शरद मणि त्रिपाठी सहित
भारी संख्या में अन्य सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संस्कार भारती के अध्यक्ष शरद मणि त्रिपाठी ने कहा कि पश्चिमी सभ्यता के दौरान आज का हिंदू अपने मूल नव वर्ष जो कि 18 मार्च से शुरू होगा भूलता जा रहा है। इसी को बचाने का प्रयास संस्कार भारती के माध्यम से किया जा रहा है। इस संदर्भ में उन्होंने बताया नमस्कार। अरे ये हिंदू नववर्ष या भारतीय नववर्ष का संवत्सर 2075 शुरू होने जा रहा है 18 तारीख से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। इसे हम संस्कार भारती के लोग विगत 24 वर्षों से मनाते आ रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि हमारा नववर्ष 1 जनवरी को नहीं पड़ता है। हमारा नववर्ष चैत्र के प्रथम दिन से शुरू होता है और उसी के उद्घोष के लिए ये शंखनाद कार्यक्रम आज रखा गया है। 17 तारीख की शाम को जो पुराने संवत्सर का आखिरी दिन होगा उस दिन अस्ताचल सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। 18 तारीख की सुबह यानी शुक्ल प्रतिपदा को नए निकलते हुए सूर्य को हम लोग अर्घ देंगे और 18 और 19 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। ये सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे रामकड़ताल की जेटी पर और मुक्ताकाशी मंच पर। ब्रह्म भट्ट कल्याण परिषद के तत्वावधान में होली मिलन समारोह का आयोजन 17 मार्च शनिवार को शाम 4 बजे आजाद चौक बगहा बाबा मंदिर के निकट भट्ट भवन में आयोजित किया जाएगा। होली मिलन समारोह की विस्तृत जानकारी देते हुए ब्रह्मभट्ट कल्याण परिषद के अध्यक्ष राजेश शर्मा व कोषाध्यक्ष कृपा शंकर शर्मा ने संयुक्त रूप से दी। उन्होंने इस संदर्भ में आगे जानकारी देते हुए बताया वार्ता के माध्यम ब्रह्मभट्ट कल्याण परिषद में हम लोग होली मिलन समारोह विगत 35 वर्षों से कर रहे हैं और इस साल भी 17 मार्च को होली मिलन समारोह करेंगे। हम अपने भट्ट बंधुओं से अनुरोध करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आ कर के होली मिलन समारोह को सफल बनाएं। कहाँ पे करेंगे आप लोग? हम लोग ये बगहा वीर बाबा स्थान के आगे भट्ट भवन बना हुआ है वहीं से करेंगे। राजकीय उद्यान के अधीक्षक ने बताया है कि सरकार की बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में उत्पादित आलू का 549 रुपये प्रति क्विंटल की दर से क्रय किया जाएगा। वहीं 137.30 पैसे प्रति क्विंटल की दर से ओवरहैंड चार्ज वाहन किया जाएगा। इसके लिए जनपद में मेसर्स शिव कृपा कोल्ड स्टोरेज जंगल सीकरी खोराबार पर हाफेंड संस्था का क्रय केंद्र स्थापित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि प्रबंधक नरेंद्र सिंह द्वारा क्रय केंद्र संचालित किया जा रहा है। दस्तक कार्यक्रम के तहत जेई व एएस पर अत्यधिक जोखिम वाले 144 ग्राम पंचायतों से 107 नोडल शिक्षक का 17 मार्च तक प्रशिक्षण मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सभागार में प्रस्तावित है। ये जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि यूनिसेफ के सहयोग से नोडल अध्यापक को स्वच्छता किट प्रदान किया जाएगा जिसके माध्यम से नोडल अध्यापक अपने विद्यालयों में खेल खेल में ही बच्चों को स्वच्छता की आदत डालना व जेई व एएस के प्रति बच्चों को जागरूक करेंगे। गुरुवार को पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर 6वीं उत्तर प्रदेश पुलिस मलखम प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि आईजी जोन नीलाब्जा चौधरी ने किया। मुख्य अतिथि का स्वागत प्रतियोगिता के संचालन कर रहे एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि ने प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा की। प्रतियोगिता के संचालन एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट करके किया।
इसके बाद मलखम खिलाड़ियों के संयुक्त रूप से अतिथि का स्वागत किया गया। तत्पश्चात प्रतियोगिता आरंभ की गई। इस मौके पर उप सेनानायक 26वीं बटालियन मुन्ना लाल, एसपी नॉर्थ गणेश साह, सीओ खजनी चारू निगम और सभी जोन के प्रशिक्षक सहित विभाग के अन्य कर्मचारीगण मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि प्रतियोगिता 15 मार्च से शुरू होकर 17 मार्च को समाप्त की जाएगी, जिसमें प्रदेश की 11 जोनों की टीम हिस्सा लेंगी। पीएससी पूर्वी जोन, पीएससी मध्य जोन, पीएससी पश्चिमी जोन, बनारस जोन, आगरा जोन, मेरठ जोन, कानपुर जोन, झांसी जोन, बरेली जोन, इलाहाबाद जोन और मेजबान गोरखपुर जोन की टीमें इस प्रतियोगिता में शामिल हैं। के सहायोजन एवं पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर जोन महोदय का आगमन हो चुका है। महोदय द्वारा टीम मैनेजर के परिचय। और माननीय मुख्य अतिथि जोन के चरण सिंह द्वारा मुख्य महोदय का मान प्रणाम। टीम कैप्टन द्वारा मुख्य अतिथि का मान। मुख्य अतिथि हम शपथ लेते हैं कि मैं 6वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक मलखम प्रतियोगिता वर्ष 2018 का शुभारंभ घोषित करता हूं। प्रदर्शन हेतु अनुमति और अनुमति प्राप्त हो गई से इन जवानों द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किस प्रकार से किया जाएगा उसका एक सुंदर तरह से मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया जाता है। उसका एक सुंदर नजारा इन जवानों द्वारा जोरदार बल के साथ के जवानों द्वारा मलखम पर शेर की आकृति देखिए। बहुत ही सुंदर नजारा मलखम फूल की आकृति। और ये देखिए बहुत ही सुंदर कमल के फूल की आकृति मलखम पर। इसे प्रति दिल्ली में 150 पूरे प्रदेश में उतरा एक सुंदर नजारा। रुकिए देखिए और आपके सामने कोकोनट नारियल की आकृति बहुत ही सुंदर नजारा। बहुत उद्घोष इन जवानों द्वारा ये देखिए भारत माता की जय का उद्घोष कितना जोश है। बहुत ही सुंदर प्रदर्शन जोरदार तालियां बजाएं इन जवानों के लिए। ये सब रनिंग होना चाहिए। पाउडर
और कोई करेगा? चलिए जल्दी जल्दी चलने के पहले नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। पुलिस के हत्थे चढ़े तो सगे भाइयों के हत्यारे, नाजायज संबंध में हुई थी हत्या, साजिश में पत्नी भी थी शामिल। पहली बार बसपा और सपा ने मिलकर मनाया बसपा के संस्थापक स्वर्गीय काशीराम की 84वीं जयंती। प्रेम में नाकाम प्रेमी युगल ने ट्रेन से कटकर की खुदकुशी। स्कॉलरशिप की मांग को लेकर लगभग 100 से ज्यादा आईटीआई छात्रों ने निकाला जुलूस, किया जमकर नारेबाजी। उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त किए जाने की मांग को लेकर अखिल विश्व गायत्री परिवार के सदस्यों ने जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। 16 से 20 मार्च तक गोरखनाथ मंदिर परिसर में लगेगा विराट किसान मेला व प्रदर्शनी। स्वर्गीय काशीराम की 84वीं जयंती अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों ने उनके चित्र पर किया माल्यार्पण। संस्कार भारती ने हिंदू जागरण के लिए चेतना तिराहे पर किया दीप प्रज्वलन एवं रंगोली कार्यक्रम, करेंगे 18 व 19 को नवोदल कार्यक्रम। 17 मार्च को ब्रह्मभट्ट कल्याण परिषद द्वारा आयोजित होगी होली मिलन समारोह। हस्तक्षेप योजना के तहत इस वर्ष उत्पादित आलू का क्रय मूल्य 549 रुपए प्रति कुंटल किया गया निर्धारित, राज्य की उद्यान के अधीक्षक ने दी जानकारी। 17 मार्च तक जेई व एईएस पर अत्यधिक जोखिम वाले 144 ग्राम पंचायतों से 107 नोडल शिक्षकों का प्रशिक्षण मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सभागार में हुआ प्रस्तावित। और 6वीं उत्तर प्रदेश पुलिस मलखम प्रतियोगिता का हुआ आगाज, पुलिस महकमे के आला अधिकारी रहे मौजूद। इस बुलेटिन में बस इतना ही, तो देखते रहिए गोरखपुर न्यूज़, न्यूज़ बिफोर हेडलाइंस। नमस्कार।